तो उसका स्टार्टिंग होता है और मेरी कहा जाता है डियाब्लो सेलेस्टिना एक साथ ही बात करे होता है। सेलेस्टिना कहती है मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डियाब्लो कहता है क्या और उसके बारे सेलेस्टिना कहती है आती है सेरा और रैम के गले में जो कॉलर है उसको कैसे हटाया जाता है। कहता है कैसे क्योंकि उसने पहले इसको हटाने के लिए बहुत ट्राई किया था लेकिन इसके बाद भी ये काम नहीं आया था तो इसके बाद और क्या हो सकता है। सेलेस्टिना कहती है वो ये तो नहीं जानती ये काम आने वाला है या फिर नहीं लेकिन वो जानती है इसको ट्राई करने के बहुत फायदे हैं। कि बाद वो कह देती है पास ही में एक सर्कस आया है जहाँ पर एक टेंट है और उधर ये काम किया जाता है यानी उधर एक म्यूजिशियन आई है जो कि ये काम कर सकती है तो बहुत अच्छी तरह से जानती हो तो तुम लोग उसके पास जा सकते हो और अपना काम कर सकते हो। वो कहता है ये तो बहुत अच्छा बात है। इसके बारे एलिशिया कहती है लेकिन ये काम करने से पहले हमें वो काम पहले करना होगा यानी वार होने वाला है बहुत डेंजरस हो सकता है तो इसलिए पहले हमें वो काम करना होगा। वेल डियाब्लो कहता है हम उनका पहले से पेंडिंग है यानी पहले वो लोग कॉलर को हटाने वाले बात को सोचता है वो पहले क्या करने वाला है और उसके बाद ही वो डिसाइड कर लेता है वो पहले कॉलर को हटाने वाला है। उसने करने का बहुत पहले ट्राई किया था लेकिन इसके बाद भी ये नहीं हो पाया यानी वो काम पहले से पेंडिंग है। आती अगर बात कहते वार के बारे में तो मैं इसको बहुत इजीली रोक सकता हूँ यानी कॉलर को हटाने के बाद मैं इसको रोक दूंगा तो उसलिए टेंशन की बात नहीं है। ना कहती है अगर ऐसा बात है तो मैं तुम्हें एक लेटर देती हूँ और इसको तुम दिखा देना चाहे तुम्हारा काम हो जाएगा। वेल इसके बाद उनको एक लेटर दे दिया जाता है। वो लोग आ जाते हैं उसी टेंट के पास टेंट के अंदर आता है और इसके बाद वो लोग देखते हैं बहुत सारे स्लेव्स को जहाँ पर वो लोग अपनी मस्ती में होता है। इसके बाद वो लोग मिलते हैं मेरियस से जो कि उस एरिया का मालकिन था यानी ये वही पर्सन है जो वो मैजिक करती है। उनके साथ मिलती है और उसके बाद वो अपने बारे में कह देती है साथ ही वो सेरा और रैम को भी देखती है जहाँ पर उनके गले में कॉलर था। लेकर वो कहती है मेरे कस्टमर बहुत प्यारे हैं वैसे अगर तुम इन दोनों को बेचना चाहते हो तो हाँ मैं इसको खरीदना चाहूंगी कि तुमको बहुत अच्छे प्राइस मिलने वाले हैं। इसको सुनकर डियाब्लो गुस्सा होता है। वो कहता है ऐसा बात नहीं है ये काम करने के लिए नहीं आए हैं हमारे पास एक अलग ही मिशन है। डियाब्लो अपना वो लेदर दे देता है। खैर के बारे मेडियस डियाब्लो को देखती है जहाँ पर वो कहती है लेकर ऐसा लगता है तुम्हारे पास बहुत पावर है और वो पावर बाहर भी आ रहा है वैसे तुम हो कौन इतना सारा पावर एक इंसान के साथ तो नहीं होता। खैर इसके बाद डियाब्लो अपने बारे में कह देता है। इसके बारे में सुनकर सेरा कहती है हाँ मैं जान रही थी इसके पास इतना पावर तो है ही उसके पास बहुत सारा पावर है बस वो यूज नहीं करता और अगर टाइम आ गया तो वो यूज करने वाला है। इसके बाद वो लोग ऐसे ही बात करते हैं और उसके बाद मेडी सबको देखने लग जाती है जहाँ पर वो रैम को देखती है और उसको देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक थी। पेट में एक अलग सा पावर दिखाई दे रहा था जो कि ये भी सिंपल नहीं था और उसको देखकर बहुत अजीब है रैम के पेट में एक अलग सा पावर है। डीमन लॉर्ड ने रैम के साथ कुछ किया था और उसके बाद ये होने वाला है यानी रैम प्रेग्नेंट है। सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। सेरा बहुत गुस्सा होती है वो कहती है आप रैम के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। बहुत डर गई थी क्योंकि जो रैम का रिलेटिव है वो सामने आ रहा था साथ ही डियाब्लो भी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। रैम में वो शॉक्ड भी होता है क्योंकि हाँ मेडिस जो कह रही थी वो सच्ची है रैम के पेट में क्लब स्लैम यानी डीमन किंग का आत्मा है बात को सामने नहीं आना चाहिए था तो इसलिए ही डियाब्लो कहता है ये सब बंद करो ये बात करने के लिए नहीं आए हैं और साथ ही बात किया जाए उस पावर के बारे में तो मैं इसको देख लूंगा काम है कॉलर को हटाना तो इसलिए ये काम करो। और उसके बाद मेडियस अपने काम में लग जाती है पहले उस लेटर को पढ़ती है और उसको देखकर वो कहती है पहले उस लेटर को पढ़ती है और उसके बाद वो कहती है ये लेटर सेलेस्टिना से आई है काम इम्पोर्टेंट है और मुझे ये करना होगा वैसे मैं ये काम नहीं करती लेकिन इसके बाद भी सेलेस ने ये काम दिया है तो मैं ये काम करूंगी। के बाद उनका प्रोसेस स्टार्ट होने वाला होता है और उसके बाद मेडियस कहती है वैसे जो ये मैजिक है मैं इसको एक ही पर्सन को सिखाने वाली हूँ तुम दो हो तो इसलिए कौन आगे आना चाहता है यानी आगे उनके ऊपर मैं ये मैजिक यूज करने वाली हूँ। कह देती है वो पहले नहीं आएगी यानी सेरा तुम पहले चले जाओ और अपना कॉलर हटा लो के बाद डियाब्लो मेरा कॉलर हटा सके लेकिन क्यों रैम तुम भी तो आजाद होना चाहती हो ये कॉलर नहीं चाहिए तो इसके बाद तुम क्यों नहीं पहले आती। और उसके बाद कहती है उसका तबीयत थोड़ा खराब है तो इसलिए वो चाहती है सेरा तुम ही पहले आगे जाओ और अपना काम कर लो वैसे भी डियाब्लो मुझे फ्री करने वाला है तो इसलिए कोई बात नहीं है। और इसके बाद यही होता है रैम और एलिशिया एक साथ ही बाहर आ जाते हैं और सेरा मेडियस के साथ ही रह जाते हैं। खैर इसके बाद मेरी कहा जाता है बाहर वाला सीन कह रही होती है मैं चाहती हूँ सबके पास अपना अपना एक सीक्रेट होता है ना। एलिशिया कहती है तो तुम क्या अपना राज किसी को नहीं बताना चाहती। कहती है हाँ उसके पास जो राज है वो किसी के सामने नहीं लाना चाहती खुद ही डरती है अपने राज से तो इसलिए वो इसके लिए बहुत चिंतित है। खैर इसके बारे एलिशिया कहती है ये सबके पास ही होता है अपना राज किसी को नहीं बताना चाहती और इसके लिए उनको कोई फोर्स नहीं कर सकता एक राज होता है और इसको सब लोग दूसरों को नहीं बताना चाहते। कहती है हाँ तुमने सही कहा। और इसके बारे एलिशिया कहती है वैसे उसके पास एक मैजिक है इसका यूज करके रैम आप अपने राज को और भी ज्यादा सेव कर सकते हो तो क्या आप रैम करोगे।
कहती है हाँ कोई बात नहीं है, और इसके बाद एलिशिया कहती है तो आप अपना हाथ आगे कर दीजिए। इसके बाद एलिशिया रैम के हाथों में एक स्पेल को लिख देती है और उसके बाद वो अपना मैजिक करने लग गई थी। थोड़ा टाइम के बाद ये मैजिक ट्रिगर होता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हाथों में बहुत सारा लेटर आ गया था, और उसको देखकर एलिशिया जान जाती है जो रैम का राज है ये बहुत अलग है। एलिशिया खुद ही डर जाती है। खैर इसके बाद ये रैम कहती है वैसे एलिशिया तुमने क्या किया, हाथ बहुत गर्म हो चुका था तो ये क्या था। कहती है नहीं कुछ भी नहीं, ऐसे ही उसने कुछ मैजिक यूज किया था और ये वही था। कहती है वैसे मुझे अब अच्छा लग रहा है, यानी तुमने मेरे साथ बात ही किया, साथ ही अपना मैजिक का भी यूज किया और इसके लिए मैं हैप्पी हूं। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, मैं आपके कुछ काम आए। आता है अंदर वाला जहाँ पर डियाब्लो बहुत शर्मा चुका था। कहती है तुम जिसके ऊपर भी अपने मैजिक यूज करने वाले हो उसको नंगा होना होगा, तो उसके सेरा आधी नंगी हो जाती है। ऊपर बच के कुछ कपड़े होता है और इसके कारण डियाब्लो बहुत ज्यादा शर्मा चुका था। और उसके बारे में मेडियस कहती है तुम्हें लेटना होगा और उसके ऊपर डियाब्लो तुम आ जाओ, तो कहता है वो ऐसा नहीं कर सकता। और उसके बारे में मेडियस कहती है सिर्फ यही रास्ता है, यानी इसी मैजिक से शायद से वो कॉलर हट सकता है। डियाब्लो अगर तुम्हें अपना काम करना है तो ये काम तुम्हें करना ही होगा, यानी उसके ऊपर आना ही होगा। तो इस काम को नहीं करना चाह रहा था लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो इसलिए वो सेरा के ऊपर आ जाता है। सेरा मैं अब अपना काम करने वाला हूँ, तो इसलिए तुम रेडी हो जाओ। सेरा रेडी हो जाती है, कहती है तो डियाब्लो तुम्हें अब अपना हाथ सेरा के बॉडी में रखना होगा, स्किन को छूना होगा और उसके अंदर तुम्हें जाना होगा। कहती है डियाब्लो तुम्हें सेरा के स्किन को छूना होगा, उसके बाद तुम्हें कुछ स्पेल दिखाई देंगे और उसके अंदर तुम्हें जाना होगा और ऐसे तुम कोर्ट तक पहुंच जाओगे, बाद ये कॉलर टूट जाएगा। खैर इसको सुनकर डियाब्लो कहता है वो ऐसा नहीं कर सकता, बहुत अलग सी बात है वो ऐसा नहीं कर सकता। मेडिस कहती है उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, तो तुम इस बात को जानते हो तो इसलिए जल्दी करो। और उसके बाद डियाब्लो कहता है सेरा तुम रेडी हो जाओ, फिर से रेडी हो जाती है। और उसके बाद डियाब्लो सेरा को छूता है, कोई भी स्पेल दिखाई नहीं देता। इसको देखकर डियाब्लो गुस्सा होता है और वो कहता है मेडियस आपने क्या बोला था और ये क्या हो गया, मैं सेरा के साथ ये काम कर रहा हूँ और उसके बाद कुछ भी नहीं आ रहा, तो इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं। मेडियस कहती है मैंने बोला था तुम्हें पहले महसूस करना होगा और उसके बाद ही तुम उस स्पेल के अंदर जा सकते हो, इसलिए तुम्हें अपना आंखें बंद करना होगा, साथ ही तुम्हें सेरा को सेरा नहीं कुछ अलग ही सोचना होगा, तो तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो। और उसके बाद डियाब्लो मेडियस की बातों को सुनता है और वो उसके अनुसार ही काम करने लग गया था। सेरा को अपना छड़ी मानकर काम करने लग जाता है और उसके बाद ही वो सेरा के उसमें अपना हाथ दे देता है, अपना आंखें बंद कर देता है। साथ ही वो देखता है इधर स्पेल के कुछ वार्ड आ चुके थे, का औरा बाहर आ चुका था। इसको देखकर वो कहता है मेडियस काम आ रहा है, और मेडियस कहती है तो तुम्हें अब अपना प्रोसेस स्टार्ट करना होगा, इसमें तुम ये रोक नहीं सकते हो, तो इसलिए जो मैं कहूंगी वही तुम्हें करना होगा। डियाब्लो कहता है हाँ वो करने के लिए तैयार है। वो अपने मन में कहता है ये बस सेरा के लिए हो रहा है, यानी इससे सेरा का कॉलर बाहर आ जाएगा, इसलिए उसको जो भी करना होगा वो करने के लिए तैयार है। वेल इसके बाद सेरा का बहुत ज्यादा जोर से दबाता है और उसकी कहानी वो अंदर ऐसे जा रहा था, मैजिक स्पेल बहुत लंबा होता है तो इसलिए वो अंदर जा रहा था उसी कोर की तरफ। कहती है तो तुम्हें अब अपना हाथ नीचे लाना होगा, डियाब्लो वही करने लग जाता है। डियाब्लो अपना हाथ को नीचे लाता है, तो सेरा के पेट में आ चुका था। मेडियस कहती है तो तुम्हें इसके अंदर जाना होगा। डियाब्लो अपना हाथ आके पेट में प्रेस करता है जहाँ पर सेरा इससे बहुत ज्यादा उतावली हो जाती है। वो कहते हैं ऐसा मत करो, क्योंकि सामने एक ही मिशन होता है जहाँ पर वो कोडक पहुँच जाता है। वो इस काम को आधे में नहीं रोकता, वो ऐसे प्रेस कर रहा होता है, कारण सेरा बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला देती है और इसका साउंड बाहर तक आ चुका था। सिया और रैम यही साउंड सुनकर सोचने लग जाते हैं ना जाने अंदर क्या हो रहा होगा। के बारे में दिखाया जाए रात को जहाँ पर डियाब्लो अपने बेड पे होता है, वो बहुत थक गया था और उसके बारे में बताया जाता है जो उनका प्रोसेस था वो कम्प्लीट नहीं हुआ था। के प्रोसेस के एंड पे सेरा अपना कंट्रोल खो बैठती है, तो इसलिए उनको ये प्रोसेस उधर रोकना पड़ता है। इसके बाद वो लोग बातें करते हैं जहाँ पर रैम सेरा को कहती है सर तुम दोनों ने अंदर क्या किया था, क्योंकि तुम्हारा साउंड बाहर तक आ चुका था। पहले इसके बाद ही कहती है उनको चारा कुछ भी नहीं करना होगा, यानी उनको बस लेटना है और उसके बाद वो तो अपना काम कर देता है, यानी डियाब्लो अपना काम करता है और हमें बस वो सहना होगा। वो तो अपना पावर से हमारे अंदर कर देता है, यानी डाल देता है, और उसके बाद मुझे भी पावर मिल गया था, तो ये प्रोसेस में यही होता है। और इसको सुनकर रैम बहुत डर गई थी, इसके बाद वो लोग बहुत थक गए थे, तो इसलिए वो लोग सोचते हैं वो लोग अब सोने वाले हैं। तो देखते हैं इधर वो तीनों लड़कियां होता है और उसको देखकर वो डर गया था, यानी आज वो तीनों के साथ ही सोने वाला है, ये उसके लिए बहुत अजीब बात था। लेकिन इसके बाद एलिशिया कहती है ऐसा नहीं होने वाला, यानी वो उनके रूम के पास ही वाले रूम में रहने वाली है, हम सब लोग शांति से सो सकते हैं। खैर इसके बाद एलिशिया इधर से चली जाती है और इसकी बात ही खड़ी होता है, और इसी बीच वो लोग एक फ्लूट का साउंड को सुनते हैं। फ्लूट का साउंड बहुत अजीब तरह से आ रहा था, यानी अचानक से स्टार्ट हो चुका था, तो इसलिए वो लोग सोचने लग जाते हैं ना जाने इधर कौन आ सकता है। उनका सेरा बहुत डर जाती है, वो कहती है तो क्या वो इधर तक आ चुका है। इस साउंड को सुनकर समझ चुकी थी इधर कौन आ गया है। इसके बाद वो एल्फ उनके रूम में आ जाता है और उसको देखकर सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। वेल इसके बाद वो एल्फ अपने बारे में कहता है
यानी वो है ग्रीन उड किंगडम का प्रिंस किरा। और उसको सुनकर डियाब्लो बहुत गुस्सा होता है। डियाब्लो किरा के पास आ जाता है और वो कहता है, तुम ही वो बंदे हो जिसने सेरा के ऊपर बाउंटी लगाया है, उसके कैसे भाई हो सकते हो, तुम्हारे ऊपर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। और उसकी बारी किरा को मारने वाला होता है, लेकिन इसके बाद किरा कहता है, मुझे माफ कर देना, मैंने बहुत गलत किया, तो मैंने बहुत गलत काम किया है, लेकिन मैं सेरा को अपने किंगडम में वापस लाना चाहता हूँ, और इसके कारण मैं ये सब कर रहा था। तो इसलिए क्या सेरा तुम आना चाहती हो, कहती है वो नहीं आना चाहती। और उसके बारी किरा कहती है, अगर ऐसा बात है तो तुम रह सकती हो। वो कहता है, तुम वार करने वाले हो, मैं जानता हूँ तुम वार के लिए रेडी हो रहे हो। कहता है, ऐसा बात नहीं है, वो कोई वार नहीं करने वाला, वो तो बस ऐसे ही बात था। सुनकर सेरा कहती है, तुम किरा नहीं हो सकते, क्योंकि किरा होता तो वो ऐसा नहीं करता, ऐसे भी तुमने पहले भी मेरे साथ बहुत गलत नहीं किया। जाने वाली इसे सुनकर किरा कहता है, हाँ मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ पहले बहुत गलत काम किया है, अपने कामों में आके मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था, और इसलिए मैं माफी मांगता हूँ। अभी टाइम में किंगडम में सब लोग चाहते हैं तुम वापस उधर आ जाओ, तो इसलिए प्लीज हर बात को समझो। और उसकी बारी सोच रही होती है वो क्या करने वाली है, रैम आगे आ जाती है। रैम कहती है, मैं नहीं जानती सेरा तुम्हारे साथ जाने वाली है या फिर नहीं क्या है, लेकिन बात हो जाए सेरा के जाने के बारे में तो वो उसका मर्जी है। सेरा इधर रहने वाली है यानी रहना चाहती है तो उसको रहने दो, और अगर वो जाने वाली है तो उसको जाने दो, खुद ही डिसाइड करने वाली है। तुम इधर कुछ नहीं होते, नहीं होते ये बताने वाले वो कहाँ रहेगी या फिर कहाँ नहीं रहेगी। किरा कहता है, हाँ बात तो सही है, तुम क्या करने वाले हो। सेरा कहती है, वो इधर ही रहने, तुम क्या करने वाले हो। सेरा कहती है, वो इधर ही रहने वाली है, वो किंगडम में वापस नहीं जाना चाहती। कहता है, अगर ऐसा बात है तो ठीक है, वो अब के लिए इधर से जा रहा है, वो कल भी वापस आने वाला है, क्योंकि कल तक ये प्लान चेंज भी हो सकता है। आज के लिए मैं चलता हूँ, अगर कुछ भी तकलीफ हुआ तो मुझे माफ कर देना। कहता है, वैसे भी कल भी आने का कोई फायदा नहीं है, वो वापस नहीं जाने वाली बात है, अगर सेरा कल वापस नहीं जाएगी तो उसके बाद तुम उसके पास कभी नहीं आ सकते, ये कांड हम लोग हमेशा नहीं करने वाले। और उसके बाद ये किरा कहता है, हाँ बात तो सही है, लेकिन बस भी एक बात है। वो कहता है, क्या। और उसके बारे किरा कहता है, लेकिन अगर सेरा कल जाने के लिए रेडी हो चुकी तो उसके बाद तुम क्या करोगे। कहता है, अगर ऐसा होगा तो मैं उसको जाने दे दूंगा, यानी वो फ्री हो जाएगी। क्या कहता है, तो ठीक है, वो आज के लिए जा रहा है। और उसके बारे किरा चला जाता है। जाने के बाद डियाब्लो कहता है, वैसे जो तुम्हारा ब्रदर है यानी किरा, वो इतना बुरा तो नहीं है। क्या कहती है, वो तुम नहीं जानते हो, वो ऐसा बंदा नहीं है। से अगर बात किया जाए कल के बारे में तो वो कल भी इधर रहने वाली है, यानी वो अपने किंगडम में वापस नहीं जाना चाहती। कि बारिश सीन आता है रात को और हमें दिखा जाता है, अब वो सो चुका था लेकिन अब तक उसको नींद नहीं आता है, और हमें दिखा चले रैम और सेरा को, वो दोनों ऐसी बात करे होता है। वैसे तुम्हारा स्टोरी बहुत अजीब है, तुम्हारे पास एक रॉयल फैमिली है, बहुत सारा पैसा है, तो उसको छोड़कर तुम हमारे साथ क्यों हो, क्या बात है, तुम्हारा ड्रीम क्या है। और उसके बाद अपना ड्रीम कह रही है, यानी वो इधर ही एक कैफे खोलना चाहती है, वो अपने बाप के पैसों से या फिर रॉयल फैमिली से कुछ भी नहीं करना चाहती, कैफे खोलने वाली है, और उसके बाद वो सबको उधर खाना खिलाएगी, उसको बहुत मजे आने वाले हैं, साथ ही तुम लोग भी मेरा हेल्प करने वाले हो, हमारा मैनेजर होगा और हम डियाब्लो के मेड होंगे और इधर काम करेंगे, और इससे हमें बहुत मजा आने वाला है। तुम्हारा प्लान तो अच्छा है, लेकिन तुम्हारे प्लान में हम कब आ गए। कहते, क्योंकि तुम मेरे पहले दोस्त हो, तो उसके नाते मैं तुम्हें अपने प्लान में ला सकती हूँ। इसे सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। कहते, इसके पहले मेरा कोई दोस्त नहीं था, तो इसलिए तुम्हें मेरे फर्स्ट दोस्त हो, आप लोग भी जिसने मेरा बहुत हेल्प किया, यानी तुम दोनों मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो सारी बात को सुन रहा होता है और मेरी कहां चले रैम को, और वो इमोशनल हो जाती है। कहती है, अगर ऐसा बात है तो मैं भी तुम्हारे प्लान पे आना चाहूंगी। उसके बाद रैम फिर से कहती है, वैसे तुम लोगों ने ऐसा क्या किया था, यानी मुझे अभी भी उस बात में शक है। कहती है, तो क्या तुम वो करना चाहोगी। और उसके बाद रैम कहती है, हाँ तुम दिखाना चाहते हो, अगर तुम दिखा सकते हो तो। और उसके बाद सेरा वो काम करने लग जाती है, फिर इसे बहुत अच्छी फील करती है, जहाँ पर सेरा वही काम कर रही थी जो कि डियाब्लो कर रहा था उस सीन में। से वो दोनों बिस्तर में आ जाते हैं, जहाँ पर डियाब्लो अभी सो रहा था, लेकिन वो उन सारी बातों को सुन भी रहा था। डियाब्लो के पसीने आ जाते हैं, ऐसे इधर सीन बनता है, और उसकी बारी में दिखा जाता है किरा को, और वो आ चुका था एक पेड़ में। वो कह रहा होता है, कल वाला दिन उसके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, यानी सेरा उसके साथ ही आने वाली है, पास एक बहुत अच्छा प्लान है, और वो सेरा को अपने साथ ही ले आएगा, सेरा उसके बच्चों को पालने वाला है, यानी उसका प्लान बहुत अजीब था। तो हम लोग देखेंगे इसके बाद वाले एपिसोड में, और तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा, बी बी स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।